अपनी मौसी के साथ गया था बाजार। मौसी उसके कपड़े दिला के ले लिया। आज बर्थडे है तो ज़्यादा धूमधाम से तो मनाते नहीं है, ये कुछ रीज़न है इस वजह से, तो सादा केक लाके और वही कटवा देंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है वो मैंने अभी इस टाइम पे शुरू किया है, अभी इवनिंग के 5 बज रहे हैं और आज मैं नई नई जगह आई हूँ, आपको दिख रहा होगा। हाय गाइस, तो मैं आई थी खुशी के घर पे। कब आई थी खुशी में? सुबह 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 आई थी मैं। और सुबह सुबह कितने बजे आई थी? 8 बजे? हाँ नहीं, 9 बजे। 9 बजे आई थी ना, क्योंकि अयान मेरा काफ़ी दिन से पीछे पड़ा था, कह रहा मौसी के घर चलो, मौसी के घर चलो, तो छुट्टी भी चल रही थी इस टाइम पे, तो मैंने सोचा चलिए घूम आती हूँ, तो वही आई हूँ मैं, क्योंकि अब की बार खुशी आई नहीं थी काफ़ी दिनों से। कब आई थी खुशी? मैं आई थी रक्षाबंधन पे आई थी मैं। हाँ सही कह रहे हो, रक्षाबंधन पे। हाँ रक्षाबंधन पे आई थी ना, तो इसलिए फिर मैं नहीं आ पाई। हाँ तो खुशी आई नहीं थी, तो हमने सोचा चलिए चलते हैं। और हम दोनों अभी इस टाइम पे हैं, बाकी लोग कहाँ गए हैं? मार्केट। बाकी लोग गए हैं मार्केट, क्योंकि एस का है आज बर्थडे है, तो ज़्यादा धूमधाम से तो मनाते नहीं है, ये कुछ रीज़न है इस वजह से, तो सादा केक लाके और वही कटवा देंगे, क्योंकि रीज़न क्या है बता नहीं सकते, क्या रीज़न है खुशी, तो इस वजह से ज़्यादा धूमधाम कुछ नहीं करते हैं। और कहते नहीं बच्चा छोटा तो वो इतना समझता नहीं है, तो उसकी मन की करनी पड़ती है, तो यस जिद भी कर रहा है कि नहीं मुझे केक काटना है काटना है, तो अभी इस टाइम पे गए हुए हैं। खुशी गेट बंद कर दो, तो कल्पना लेके गई है मार्केट और साथ में अयान भी गया है। आज पहली बार वो चला गया। हाँ? हाँ नहीं अयान अब तो चला जाता, पहले क्या होता था वो मम्मा को पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाता था, लेकिन अब चला जाता है, तो अब गया है अपनी मौसी के साथ मार्केट, तब आने ही वाले हैं दोनों। और मैंने सोचा अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर देती हूँ, इससे पहले का जो ब्लॉग है मेरा वो मैंने अभी तक अपलोड नहीं करा है, क्योंकि थोड़ी ना नेट की प्रॉब्लम है इस वजह से, तो ब्लॉग मेरे आएंगे सारे 26 तारीख के बाद ही आ पाएंगे, और आज है 24 है खुशी, आज 24 तारीख है, तो फिलहाल तो हम बैठे हुए उनका कर रहे हैं इंतज़ार। अब खुशी कब आओगी? देखो जब छुट्टी पड़े। जब छुट्टी पड़े ये तो होता है, जब बच्चे स्कूल जाने लग जाए ना, फिर हर चीज़ का टाइम टेबल होता है, स्कूल में आ जाए तो और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो आपकी तो 10th हो चुकी है ना, तो वही तो मैं बोल रही ना, 11th में 12th में ना, मतलब मिस फिर ही हो जाता है, ये सोचते हैं कि कब स्कूल की छुट्टी होगी, उसके बाद फिर टाइम लगेगा तब हम लोग जाएंगे। तो अब खुशी आएगी दिवाली के बाद है, और क्या है दिवाली पे हम लोग गाँव चले जाएंगे, तो खुशी कह रही है मौसी आनू फिर ध्वज कैसे खाएगा, मैंने बोला उसकी दौज है ना गोला पूछ के रख देना और दिवाली के बाद आना देने के लिए है। हाँ, इस बार फिर नहीं आ पाऊंगी शायद। हाँ दिवाली के बाद आना फिर, ठीक है दौज के बाद। ओ गोला के बड़े बड़े रहे थे, जब दुई खबे बस पसंद है हम दुई खबे पे, कितने बड़े बन गए थे दुई खबे ना पे, अच्छे हैं आया अपनी मौसी के साथ गया था बाजार, मौसी उसके कपड़े दिला के ले लिया। देखिए आयान के कपड़े आनो तुझे पसंद आई तो नीलो पसंद है आपको अपनी पसंद से लाओ। क्या हुआ बुखार है? ना है, ना है, लग रहा हो जाए। खुशी कह रही मुझे ठंड लग रही है। ना सही तो है, हरारत है, अरे हरारत है इसके अंदर।
नहीं ऐसे लग ही रहा होगा, घर में से गुब्बारे कहीं नहीं निकल गए, हो जाती है ना कभी कभी। और मुझे गर्मी लग रही है, मैंने पंखा चला रखा, खुशी कह रही है मुझे लग रही है ठंड। फुल कपड़े पहन ले और कहाँ जाऊँ, मोहल्ले में घूमने जाऊँ क्या? बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाए तो बोर हो जाते हैं ये। भाई बहनों की लड़ाई हो रही है, जब कोई बात नहीं तो बाद में तो आ जाएगी, तेरा फोन देखता रहूंगा तब तक मैं। बताओ मैं फोन भी ले जाऊंगी स्कूल में जा, फोन अलाउ नहीं है स्कूल में ले जाना। क्या कह रहा है, स्कूल चली जा? हां देखिए स्कूल चली जा, कोई फोन तो तेरा रहेगा, मैं देखूंगा फिर। ये बड़े बच्चे ले जाते हैं फोन स्कूल, है ना? नहीं जाते बड़े बच्चे। आया नया से जाने का मन नहीं कर रहा, कह रहा जब मैं कहूंगा जब घर जाना है, जब तक नहीं जाना है। और खुशी से कह रहा है तू सुबह उठ के स्कूल चली जाना। ये इसको और खुशी को बोला दोनों स्कूल चले जाना, मैं घर पे अकेला ही रह लूंगा, फोन चलाता रहूंगा। अरे मालूम क्या हुआ, एक दिन मैं चली गई बाजार, नहीं वो सुनील भैया घर चले गए, उनके घर पे पूजा थी, तो इसको मैं छोड़ गई। 3 घंटे तक अकेला ही बैठा, रंजू के पास भी ऊपर नहीं गया, कमरे में टीवी देखता रहा। मैं 3 घंटे बाद आई वापस लौट गई। पहली बार ऐसा हुआ जो ये अकेला रहा है। बस चिप्स दे दिया, दिखा के तुम चली नहीं, बता। चिप्स और फ्रूटी में रख गई थी घर पे, इतने में ही मन गया, कह रहा मम्मा आप जाओ मैं अकेला रहा। दूर है उनका घर वहाँ से, घर तो दूर है लेकिन 3 घंटे अकेला रहा है। अंजू तो थी ना, मैंने ये बोला अंजू के ऊपर बैठना जाके, तो गया ही नहीं ऊपर, अकेला कमरे में ही रहा है। ये बोले है ना, नाम ही नहीं लोग, ये बोलता है ना बिल्कुल अपनी माँ पे गया है घूमने के लिए, सुबह से शाम तक घुमाते रहो घुमाते रहो। कितनी दूर सड़क बाजार में कितनी दूर घूम के आई है, पैदल चलता रहा, पैदल चलता रहा, जगह जगह कपड़े खोल खोल के देखता रहा, इतना पसंद आए। दुकान वाले से क्या कह रहा था, दुकान वाले से करा काला पेंट मत देना, काला मेरे पास रखा है। अयान को तो वैसे भी शौक है टीका लगवाने का, जल्दी करो वो मोमबत्ती जल रही है केक में फिर पड़ जाएगी, काटो ये सिलो करे, केक फूको घर के फूको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई खाए या ना खाए, यान को तो जरूर खिला। गुन्नू तू भी है ना, तुम्हारा भी बर्थडे है, तुम भी पैसा दे दो। इसको तसल्ली नहीं है बिल्कुल, आनू नहीं वरना फिर मैं कल स्कूल चली जाऊंगी, सोच लो। तू ना अपने घर पे ले जाइयो, ठीक है? ले 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 ले, चम्मच लेंगे महाराज, महाराज चम्मच को दे दो महाराज, महाराज जाओ जाओ जाओ। हां दे ले, बता दे ना, करो ना, बॉडी दिखा रहा है। क्या हुआ?